नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के अड्डा 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं UGC नेट एग्जाम 2023 स्टार्टिंग फॉर्म फिलिंग, SSC दिल्ली पुलिस एंड CRPF SI सब भर्ती आंसर की CTET 2023 नोटिफिकेशन। जानिए सब कुछ इस वीडियो में शुरू से। UGC नेट एग्जाम परीक्षा 28 अक्टूबर कर सकते हैं आवेदन। UGC नेट परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से 6 से 22 दिसंबर तक ली जाएगी, लेकिन परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। इसके बाद 29 अक्टूबर से 200 से लेकर 1000 रुपये तक लेट फीस विद्यार्थियों को देनी। UGC की तरफ से हिदायत दी गई है कि आवेदन करते समय अच्छे से जानकारी चेक कर लें, क्योंकि आवेदन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई तो 30 और 31 अक्टूबर तक ही सुधार किया जा सकता है। इसके बाद अगर कोई गलती रह जाती है तो विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने को लेकर समस्याएँ आ सकती है। सुधार संबंधी विंडो 2 दिन खुली रहने के बाद बंद हो जाएगी, जिसके साथ विद्यार्थियों का सारा डाटा भी लॉक हो दिसंबर के शुरुआती दिनों में जारी होंगे एडमिट कार्ड। परीक्षा कंप्यूटराइज बेस्ड होगी। UGC नेट परीक्षा पास करने और JRF के लिए उम्मीदवारों को दोनों पेपरों में उपस्थित होना अनिवार्य रहता है, इसलिए परीक्षा आवेदन करने वाले उम्मीदवार UGC ने मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या उसके बराबर की परीक्षा में कम से कम 55% अंक प्राप्त होने चाहिए। PWSC ST वालों के लिए पास 50% अंक वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। UGC नेट की परीक्षा 82 विषयों में प्रत्येक वर्ष जून और दिसंबर में करवाई जाती है। 3 घंटे की इस परीक्षा में 300 ऑब्जेक्टिव है मल्टीपल चॉइस के प्रश्न शामिल। इसमें प्रत्येक सही अंक के 2-2 अंक मिलते हैं, जबकि गलत को उत्तर की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती। विद्यार्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने में 40% अंक हासिल करने होते हैं। रिजर्व वर्गों के लिए यह पास प्रतिशत 35। नेक्स्ट न्यूज है, SSC दिल्ली पुलिस SI आंसर की 2023 रिलीज्ड हुई। SSC दिल्ली पुलिस और CRPF के SI की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपत्ति दर्ज करवाने के लिए उम्मीदवारों को 9 अक्टूबर 2023 का CTET दिसंबर 2023 सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अक्टूबर महीने में CTET 2023 के आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकता है। दिसंबर 2023 के लिए नोटिफिकेशन जल्दी किसी समय भी जारी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उन्हें बता दें कि आवेदन लिंक होने के बाद वह आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि CTET परीक्षा दिसंबर 2023 में आयोजित होने वाली है। हालांकि अथॉरिटी ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए CBSE की ओर से परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है और इस बार उसका दूसरा सेशन आयोजित किया जाएगा। CTET परीक्षा के जुलाई के परिणाम 25 सितंबर को जारी किए गए थे। परीक्षा पेपर फर्स्ट के लिए 98,758 उम्मीदवार, जबकि पेपर टू में 101,057 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल। CTET दिसंबर सेशन 2023 जाने से सिलेबस आवेदन फॉर्म के लिए लिंक अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। CBSE CTET दिसंबर सेशन परीक्षा के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर CTET सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इससे उन्हें परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयारी करने में मदद। CTET की परीक्षा को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पेपर फर्स्ट और 2 में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक 1 मार्क्स का होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी, एनवायरमेंट, स्टेट लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड साइंस पर प्रश्न। परीक्षा का पैटर्न, परीक्षा में मल्टीपल चॉइस प्रश्न शामिल होंगे। उत्तर गलत उत्तरों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यह पेन और पेपर आधारित मोड में आयोजित किया जाएगा। पेपर फर्स्ट में 5 सेक्शन होंगे, जबकि पेपर टू में कुल 4 सेक्शन होंगे। CTET पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए आयोजित किया जाएगा। दूसरी ओर पेपर सेकंड उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाएगा जो कक्षा 5 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।